दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिला परिषद के कार्य का वर्णन करें। ठीक है, आपको मैं बता दूं, यह क्लास MJ5 गलती से 4 लिखा गया। ध्यान रखोगे MJ5 या MNIB वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जो पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, जो फिलहाल semester 3 में। ठीक है, इसका PDF आप अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के आंसर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आज का आंसर आपको अच्छा लगेगा और आपको इस चैनल के बारे में क्या कहना है वो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो चलिए आज का आंसर को स्टार्ट करते हैं। जिला परिषद एक निर्वाचित निकाय है। ठीक है, याद रखें जिला परिषद एक निर्वाचित निकाय है जो किसी जिले के पूरे ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र जो होगा उसको प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है जो एक निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक है, जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं यानी चेयरमैन कहते हैं। वह जिला के पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मतलब जिला में जो पंचायत होते हैं उसके द्वारा ये चुना जाता है। ठीक है, जबकि जिला परिषद की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख एक CEO होता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है, जो CEO होता है एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनका कार्य। देखते हैं जिला परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला देखिए, कृषि विकास को प्रोत्साहित करना, मतलब जो कृषि है जिला में उसको विकास करेंगे। ठीक है, समुन्नत कृषि उपकरणों का विकास करना, मतलब जो कृषि उपकरण है। ठीक है, एवं भूमि सुधार व उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को प्रशिक्षित करना सम्मिलित है। ठीक है, मतलब कृषकों को भी बताना कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट देखो, सिंचाई योजनाओं के विकास एवं जल के समान वितरण व उपभोग का प्रबंध करेगा। बागवानी को प्रोत्साहित करेगा। फिर पशुपालन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना। ठीक है, ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग व हस्तकरण उद्योग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे देखते चलो कि राज्य सरकार द्वारा प्रत अनुदानों को पंचायत समितियों में वितरण करेगा। फिर जिलों में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, फिर जिलों के अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति के सदस्यों अथवा अध्यक्षों के सम्मेलन आयोजित करना। नेक्स्ट, पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत बजटों को समीक्षा करना। नेक्स्ट, ग्रामीण पंचायतों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन, मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं उसको ये मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, चलिए हर चीज़ को हिंदी वाले चीज़ को क्या समझाऊँ मैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी देखते चलो, जल्दी जल्दी याद करते चलना। ठीक है, जिलों में आवास व्यवस्था संबंधी योजनाएँ बनाएंगे व उनका कार्यान्वय करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्या करेंगे कि निजी एवं सार्वजनिक जलाशयों में मत्स्य पालन यानी मछली पालन का प्रोत्साहित करेंगे। तो ये जिला परिषद का कार्य था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक लगेगा जय हिंद जय भारत।